अब देखो बच्चों, आगे नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस है हमारी, जो पीछे जो फॉर्मूला बताया था अब है, पीछे तो क्या बताया था, ए की स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स की स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या है, ए की स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इनको कैसे, वैसे इनका सूत्र क्या होता है, लोग एक्स प्लस एक्स की स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी होता है, ये बताया था आपको, लिखाया हुआ है। परंतु अब इसको कैसे करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ x क्या है, x है, तो माना x बराबर a tan थीटा रख देंगे, माना x बराबर क्या रखेंगे, a tan थीटा, माना x बराबर a tan थीटा, इसका अवकलन करें, अवकलन करने पर तो x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे क्या आएगा, dx, dx a tan थीटा का क्या आएगा, sec square थीटा d थीटा, a sec square थीटा d थीटा, समझ में आ गई बात। अब a dx बराबर a sec square थीटा d थीटा, तो tan थीटा x बराबर a है, तो a इसके भाग में चल जाएगा, किसके भाग में चल जाएगा, a, तो tan थीटा बराबर क्या आएगा, x अपॉन a, तो थीटा बराबर क्या आएगा, tan इनवर्स x अपॉन a, थीटा बराबर क्या आया, tan इनवर्स x अपॉन a, तो i बराबर dx के स्थान पर क्या आया, समाकलन a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन अंडर रूट a x का a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन, तो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, a स्क्वायर कॉमन है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, a 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट के a से a बार sec स्क्वायर थीटा d थीटा बार क्या आया, 1 प्लस टेन स्क्वायर अंडर रूट है, तो sec थीटा, sec से sec कैंसिल, क्या आया समाकलन, sec थीटा d थीटा, sec थीटा का समाकलन log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस में c, तो हमारे पास tan थीटा का मान है x अपॉन a, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय यानी x अपॉन a, तो करण क्या हो जाएगा, x की स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, sec थीटा क्या होता है, करण बटे आधार, तो sec थीटा बराबर अंडर रूट x की स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a, कौन से, करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो हमारे पास sec थीटा बराबर क्या आया, x अपॉन a, sec थीटा बराबर क्या आया, x अपॉन नहीं सॉरी करण बटे आधार, करण क्या है, x की स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a, तो लोग sec थीटा के स्थान पर अंडर रूट x की स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a प्लस टेन थीटा के क्या है, x अपॉन a प्लस में c, a क्या है लघुतम, तो log x प्लस अंडर रूट x की स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a प्लस में c, log m अपॉन n, log m अपॉन n क्या आएगा, log m माइनस log n, तो log m के स्थान पर क्या है, x प्लस x की अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, n के स्थान पर क्या है, a है, तो log
एक्स प्लस रूट एक्स की स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लोग ए प्लस सी। इस अचर पद है, इसको कैपिटल सी मान लो, पूरे को माइनस वाले साथ में ले लो, माइनस है तो कांस्टेंट अचर संख्या, तो प्लस का सी लोग एक्स प्लस रूट एक्स की स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में कैपिटल सी, ये इनका समाकलन हो गया। तो एक्स बराबर ए टेन थीटा या एक्स बराबर ए कोट थीटा आप रख सकते हो। समझ में आई बात, क्लियर है? अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन, ये इतने फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको सिद्ध करवा दिए हैं। एग्जाम्पल आगे, ये होमवर्क की कॉपी में आप सोल्व करना, ये जितने भी फॉर्मूले करवाए हैं प्रूफ, तो आप होमवर्क की कॉपी में करना स्टेप वाइज। सभी बच्चे ध्यान देंगे ट्वेल्थ के, अब जैसे x प्लस एक्स की 4 उदाहरण नंबर 14 है, x 1 प्लस एक्स की 4 dx, तो कैसे करेंगे इसको? x की 4 है, इसको x स्क्वायर का स्क्वायर कर लें, क्योंकि हमारे पास x स्क्वायर बराबर t मानते हैं तब 2x dx आता है, x dx है, तो यहाँ x की घात 4 है, इसको हम क्या करेंगे, x स्क्वायर की स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, x स्क्वायर की स्क्वायर के i बराबर x dx 1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर। अब माना x स्क्वायर बराबर क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, माना एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, तो एक्स की स्क्वायर का अवकलन करेंगे क्या आएगा, 2x dx, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, t का क्या आया dt, एक्स डी एक्स बराबर डी टी बटे में 2, आई बराबर 1/2 डी टी बटे में 1 का होल स्क्वायर प्लस टी का होल स्क्वायर। तो एक्स डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, डी एक्स समाकलन एक्स डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, 1/a टेन इनवर्स एक्स अपोन ए प्लस में सी, 1/a टेन इनवर्स एक्स अपोन ए, एक के स्थान पर क्या है, एक है, तो आई बराबर 1/2 टेन इनवर्स टी प्लस में सी, टी का मान रखिए, टी का मान क्या है, एक्स की स्क्वेयर, तो आई बराबर 1/2 टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस में सी आ जाएगा, ऐसे हो, तो टी का मान रखना नहीं भूले आप, ये जहाँ कई बच्चे यहाँ तक कर देते हैं जल्दबाजी में, आगे परीक्षा में नहीं करेंगे, तो आप टी का मान रखोगे, टी का मान क्या है,
एक्स की स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर माने रखोगे। अब देखो इसका सेकंड है अंडर रूट 9 - 25 एक्स स्क्वेयर। स्मॉकलन अंडर रूट 9 - 25 एक्स स्क्वेयर, तो 9 है वो वर्ग किसका वर्ग है, 3 का वर्ग, 25 है वो किसका है, 5 एक्स का। तो आई बराबर डी एक्स 9 3 का वर्ग माइनस 5 एक्स का वर्ग। अब माना 5 एक्स बराबर क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। माना 5 एक्स बराबर टी, माना 5 एक्स बराबर टी। इसका अवकलन करने पर 5 एक्स क्या आएगा, 5 डी एक्स एक्स का, टी का डी टी, तो डी एक्स बराबर डी टी पौन 5। डी एक्स बराबर कितना आएगा, डी टी पौन 5, तो 1/5 स्मॉकलन डी टी अपोन अंडर रूट 3 का वर्ग माइनस टी का वर्ग, ए की स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। तो ए की स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर क्या होगा, स्मॉकलन साइन इनवर्स एक्स अपोन ए प्लस सी। ए के स्थान पर 3 है, एक्स के स्थान पर क्या है, टी है। एक्स के स्थान पर टी है, ए के स्थान पर क्या है, 3 है। तो आई बराबर 1/5 साइन इनवर्स टी पौन 3 प्लस सी। टी का मान रखिए, टी का मान क्या है, 5x, तो टी बराबर 5x। तो आई बराबर 1/5 साइन इनवर्स 5x पौन 3 प्लस में सी आ जाएगा। यह क्लियर है, ऐसे होगा, समझ में आया सभी के। आगे वाला है एक्स की स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5। उदाहरण नंबर 15 है एक्स की स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5। समाकलन डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5। इसका गुणनखंड होता है क्या, नहीं होगा। 4 एकम 4 माइनस के 5 हो जाएंगे, परंतु यहाँ क्या है, प्लस के 5 है। तो कैसे करेंगे इसको, पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे। इनका क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से समाकलन करें, होल स्क्वेयर कैसे करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि में 10वीं क्लास में आप पढ़ के आए हो एक्स स्क्वेयर का गुणांक क्या होना चाहिए, 1। एक्स स्क्वेयर का गुणांक धनात्मक होना जरूरी है कि पूर्ण वर्ग विधि में एक्स स्क्वेयर का गुणांक धनात्मक इकाई होना चाहिए, धनात्मक इकाई हो। पूर्ण वर्ग विधि में एक्स स्क्वेयर का गुणांक धनात्मक इकाई हो, तो धनात्मक इकाई है, फिर क्या करते हैं, एक्स का गुणांक
x के गुणा में जो संख्या होती है उनमें दो का भाग लगाते हैं, x के गुणांक का हाफ, हाफ का वर्ग एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, तो ये हमारे पास होल स्क्वायर बन जाएगा। कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई होना चाहिए, एक्स का गुणांक, एक्स के गुणांक का हाफ, हाफ आपका दो का भाग लगाएंगे, दो के भाग में उनका वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर एक बार जोड़ देंगे, वही संख्या एक बार घटा देंगे, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक धनात्मक इकाई है। एक्स का गुणांक क्या है? माइनस चार, माइनस चार का हाफ जोड़िए माइनस दो, माइनस दो का वर्ग डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस माइनस दो का वर्ग जोड़ देंगे, प्लस पाँच, माइनस दो का वर्ग घटा दिया। ये किसका वर्ग होगा भी? माइनस है तो माइनस रखोगे, एक्स माइनस दो का वर्ग, अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो समाकलन डी एक्स, एक्स माइनस दो का वर्ग प्लस पाँच में चार एक, एक का वर्ग, एक्स की स्क्वायर प्लस एक का वर्ग। अब हमारे पास समाकलन का ये पूरा कैपिटल एक्स मान लो, तो समाकलन अंडर रूट एक्स की स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा? लोग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स की स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी होगा मोड में। तो एक्स के स्थान पर क्या है? एक्स माइनस टू है, एक्स के स्थान पर क्या है? एक्स माइनस टू है। तो आई बराबर लोग एक्स के स्थान पर एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस ए का वर्ग प्लस सी। तो एक्स माइनस टू ए का वर्ग यही आएगा ना, एक्स की स्क्वायर माइनस को हल करोगे तो हमारे पास क्या आएगा? एक्स की स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस ए पाँच आ जाएगा। तो आई बराबर लोग एक्स माइनस दो प्लस एक्स की स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस पाँच, प्लस में कॉन्स्टेंट क्या आया? सी आ, ये होगा। समझ में आएगी सभी के? क्लियर है? ऐसे करना है, ठीक है। अब इसका आगे वाला जो क्वेश्चन है, सोलह नंबर, पाँच एक्स माइनस छः माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स अंडर रूट पाँच एक्स माइनस छः माइनस एक्स स्क्वायर, ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम, ठीक है। जहाँ तक करवाया वहाँ तक समझ में आना चाहिए। सभी बच्चों को नमस्कार, थैंक यू।